कहना क्या है, अमेजिंग फीलिंग होती है जब अवार्ड्स मिल रहा होता है, और ये बहुत डिफरेंट अवार्ड है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे फेवरेट पर्सन के नाम पे है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। सो ऑब्वियसली मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और मुझे अवार्ड मिलने जा रहा है, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में कहने वाली मैं बहुत छोटी हस्ती हूँ, सारी दुनिया उनके काम की और उनके प्यार की कायल है, वैसे मैं ही हूँ। और मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि बस डॉक्टर अब्दुल कलाम सिर्फ एक ही हो सकते थे दुनिया में, वो थे, वो हमारे लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे इंडिया के लिए, और वो चले गए। तो आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ और उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ रहा है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आज शाम को लेके, क्योंकि ये मेरा फेवरेट अवार्ड है, और अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, सुपर एक्साइटेड आई हूँ। मैं रियल लाइफ में कलाम जी की बातों को फॉलो बहुत करती हूँ, और मैं उनके प्यार में हूँ आप ये कह सकती हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसे अलग इंसान थे जिन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया है। आपने काफ़ी सारी फिल्में उनकी उनके ऊपर देखी होंगी, काफ़ी सारी बातें उनके ऊपर देखी होंगी, हम सारे ही हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा कह सके वो बहुत कम है। उन्होंने अपनी सैलरी कभी नहीं ली, और गवर्नमेंट से उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया, और टैक्स के, हमारे टैक्स के पैसे से उन्होंने कभी कुछ नहीं खरीदा, कभी कुछ नहीं लिया। वो इतने बड़े और इतने अच्छे थे कि मुझे उनका नाम लेने में भी गर्व महसूस होता है। ऐसी बात ये है कि इतना पराक्रम, और आपने बीच में देखा था कि मूवी आई थी परमाणु, जॉन अब्राहम की थी, जिनके साथ मैं भी काम कर चुकी हूँ, ऐसे ऐसे किस्से हैं उनके, और ये चीज़ें उन्होंने करके गई हैं। तो परमाणु जैसा जो टेस्ट किया था उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अगर वो नहीं होते तो हो पाता, क्योंकि वो थे तो ये मुमकिन हुआ, और हमको इतनी अच्छी गिफ्ट मिली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम सो हैप्पी। एंड मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी तो हमारे देश के, यू नो, इज़ द बिगेस्ट साइंटिस्ट, एंड ही हैज़ गिवन सो मच टू दिस कंट्री, एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड टू बी हियर इन दिस अवार्ड फंक्शन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट इवेंट राइट नाउ, एंड सो एक्साइटेड टू बी हियर। ये लुक अभी इंस्टेंटली क्रिएट किया गया है ऑन द वे इन कार, कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन आई वॉज सो लेट दैट आई हैड टू डू माई मेकअप इन कार, एंड आई जस्ट गॉट रेडी जल्दी जल्दी, एंड आई केम हियर टुडे। देर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट द लुक, बट इट्स जस्ट माई कैंडिड लुक विच आई ऑलवेज डू। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, आई एम डूइंग वन प्रोजेक्ट इन हिंदी एंड वन इन तेलुगु, so that is going on, and 2-3 music videos which are coming up, and one web series which is going to release very soon, it's with Aman Verma and Tarun Khanna. बहुत बहुत important है, because जहाँ तक मैंने सुना है और पढ़ा है अब्दुल कलाम जी के बारे में, वो इतने grounded और इतने ज़हीन इंसान रह चुके हैं। जब उनकी डेथ हुई थी, मुझे इतना मालूम है उनके घर में कुछ नहीं था, मतलब जो उनका घर था जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ 2000 किताबें थी। तो आप सोच सकते हो उनको किताबों से कितना प्यार था, और मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ अब्दुल कलाम जी से, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और किताबों से जुड़े रहना बहुत पसंद है। अवार्ड जो है एक तरह का रिवॉर्ड होता है एक एक्टर के लिए, और वो आपको मोटिवेट करता है, प्रोत्साहन देता है और अच्छा काम करने के लिए। यस यस आई एम, आई डोंट नो विच कैटेगरी, आई एम जस्ट हियर, आई एम वेरी अनअवेयर अबाउट द इंफॉर्मेशन, बट आई जस्ट केम हियर जस्ट बिकॉज इट्स अब्दुल कलाम अवार्ड, दैट्स ऑल, थैंक यू।
या श्योर। देखो जी, ये अवार्ड मिला है मेरे लिए एक तो सबके लिए मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। जो डॉक्टरी का ये एक अवार्ड दिया है तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा धीरज भाई का और उनकी पूरी टीम का जिन्होंने मेरे को नॉमिनेट किया। और हाँ, मतलब सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपकी टीम है। सो दूसरी बात ये कि जो एक कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भाई इतना ये अवार्ड मतलब मेरे को मिलेगा कि भाई ये जिसके पास मतलब एक जब हम स्कूल जाते थे हमारे पास मतलब एक 2 रुपए नहीं होते थे और स्टडी के लिए मतलब कि पढ़ाई के लिए कि भी गांव से आते हम लोग। और आज मेरे को जो डॉक्टरी का जो डॉक्टर दिलीप सिंह जो कहलाएगा आज से लेकर, सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो बस आई वांट से थैंक यू सो मच पूरी टीम के लिए और बस ऐसे प्रोग्राम करते रहिए और आगे हम प्लान बना रहे दिल्ली में करेंगे। देखो ये ऐसे तो आप लोगों को जो मीडिया के लोग हैं आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि भी मेरी जो जर्नी रही है बहुत ही एक स्ट्रगल वाली जर्नी रही है। हम बिल्कुल एक छोटे से गांव से उठ के आए और पंजाब में उसके बाद कभी सोचते नहीं थे कि भी हम WWE पे जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के लोग है कोई नहीं सोचते थे कि भी WWE पे भी कोई जाएंगे। ये सोचते थे कि चल ठीक है देख लिया थोड़ा, ये तो गोरे लोगों की गेम है। सो लेकिन एक जैसे बोलते एक जुनून था कि भाई एक मैंने WWE पे जाना है। और उस टाइम इतना भी ये नहीं पता नहीं था कि भी ऐसे मतलब ये काफ़ी सारा जो एंटरटेनमेंट भी होता है। इस टाइम ये होता था जुनून था बहुत कि भी आई कैन डू एनीथिंग, मतलब क्योंकि मतलब जिस मेरी जो बैकग्राउंड है मेरे पास कुछ होने के लिए कुछ नहीं था, बहुत मतलब एक जुनून एक जज्बा था मेरे पे और वही जज्बा मेरे को WWE पे लेके गया और डरने का कहीं नाम नहीं था। सो आई फील गुड मतलब कि भी जो मैं एक गांव से उठ के पंजाब से अमेरिका ये नहीं कि मैं जाते ही मतलब ऐसे मतलब ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वहाँ जाके ही ऐसे ही मतलब बस ये रेसलिंग करने लग गया और चैम्पियन बन गया मतलब, क्योंकि वहाँ पर मैंने 1 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद मैंने जापान में फाइट करी और 2005 में मैं WWE में आया। सो वो भी बहुत अगर इतना मैं डिटेल पे बताऊंगा तो सो बहुत लंबी स्टोरी है मेरी मतलब ना कि भाई कैसे कैसे मैं WWE में गया। पर मैं जैसे बोलता ना कि एक शॉर्ट में बताया आपको कि मैं 2000 पे पहली बार USA गया मैं और वहाँ के USA के लोगों का बहुत प्यार मिला मेरे को। और बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पर जो ग्रेट खाली डे मनाया जाता है, आपको शायद पता होना या नहीं होना, ग्रेट डे द ग्रेट खाली डे मनाया जाता है न्यू मेक्सिको में, आप गूगल कर सकते हैं। और सो आई वांट से थैंक यू सो मच जो मेरे फैंस है अमेरिका में तो है ही है लेकिन हिंदुस्तान में तो जैसे बोलते हैं ना कि हिंदुस्तानों के लोगों का प्यार करने का ये तरीका एक बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल देखो कोई भी बंदा है जो भी कोई सोशल वर्क करता है तो अगर उसकी नीयत साफ हो तभी कर सकता है, मेहनत कर सकता है। जो लोग वही लोग कर सकते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं है सोशल वर्क के प्रति मतलब लोगों के प्रति वो आगे नहीं बढ़ सकता। हो स्वागत से कि भी मतलब बहुत अच्छा किया स्टार्टिंग पे, पहली बार देखा हो मैंने कि इतना अच्छा प्रोग्राम करा है और आने वाले टाइम पे हम भी जुड़ रहे हैं और बढ़िया प्रोग्राम करेंगे दिल्ली में।